मुझे तुम्हारा सवाल बड़ा अचंभित करता है। मैं दौरे पे था और आपको दिख ही रहा था, मैं कोई कहीं सोया तो नहीं था या कहीं फॉरेन भी नहीं गया था, नहीं तो बहुत लोग तो फॉरेन घूमने जाते हैं। मैं तो दौरे पे था, घूम रहा था, पीने का पानी नहीं है, किसानों के परेशानी है, नीट वाला एग्जाम अलग है, ये तुम्हारे स्मार्ट मीटर की अलग प्रॉब्लम्स है, लोगों के बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं घूम रहा था, मैं दौरे पे था और मुझे समय पे बताया गया, तो हमने हमारे सीनियर नेता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी को, हमारे सीएलपी नेता थोराज जी को हमने कहा कि आप चले जाइए, तो दोनों आए थे। तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? आखिरी महाविकास आघाड़ी का जो भी मीटिंग होता है और जो भी हो तो हमें जाना ही है, तो हमने कभी नाराजगी व्यक्त की नहीं है। अब कहां से ये मैं बताया ना, जब हमने 14 जगह जीती है महाराष्ट्र में, तब से मेरा को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये बहुत टारगेट बन चुकी है, लेकिन और इससे ज्यादा सीटें हम जीतेंगे विधानसभा। केंद्र के मंत्रिमंडल में देखिए ना, परिवार मंडल कितना है, मंत्रिमंडल नहीं है, परिवार मंडल है, उधर ढूंढो तो थोड़ा सा। राज्य में देखिए ना, राज्य में देखिए, केंद्र में देखिए, दूसरे तरफ उंगली दिखाते हो आप, अपने तरफ भी तो दिखाई है, अपने तरफ भी दिखाइए। तो मेरा ये कहना है कि ये परिवारवाद की जो कहानियां बीजेपी ने बनाई थी गांधी परिवार के लिए स्पेशल, अब पूरे बीजेपी ने पूरे देश में हर राज्य में परिवार मंडल बना चुके हैं, तो वो तुम्हारे को आंखों को नहीं दिख रहे तो चश्मा लगाइए। मोदी जी के पास बहुत पावरफुल चश्मा है ऐसा बोलते लोग, उनका लगाइए। तो मूल सब्जेक्ट है कि तुम ये आरोप प्रत्यारोप, गांधी परिवार से इतना डर क्यों है इनको? प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में आई तो जैसे मैदान में शेरनी लड़ती है वैसे वो कल पार्लियामेंट में लड़ेंगे, तो अभी से घबरा शुरू होगी इनकी। मंत्रिमंडल के मैं अभी भी और बता रहा, तुमने अच्छा सवाल किया, मंत्रिमंडल के कई मंत्री गए थे, आप माहिती के अधिकार में तो आपके पास भी रिकॉर्ड पे हैं, हमने मंगा के रखा, हमें असेंबली में पूछेंगे सवाल कौन कौन मंत्री गए थे। पीओमओ से भी हमने मालूम लिया कि किसने परमिशन लिया कि नहीं लिया, वो भी हमने मालूम ले लिया। इसका एक रूल है, जब हम गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो हमें पूरे सिस्टम में हमें लागू होना पड़ता है। कोई मंत्री उठा कि चला वो फॉरेन में, तो उसको गवर्नमेंट के प्रोग्राम से भी जाना है तो पीएमओ से परमिशन लेना पड़ता है, और ऐसे भी मंत्री को जाना है तो पीएमओ से परमिशन लेना पड़ता है। कौन मंत्री पीएमओ से परमिशन लेके गया था फॉरेन टूर जाने के लिए, किसके पैसे से गया था, ये सवाल तो हम पूछेंगे। तो मंत्रिमंडल के कई मंत्री, जब दुष्काल की स्थिति थी कि चुनाव के बाद कांग्रेस ने पहली भूमिका ली, हमने दुष्काल की बातें शुरू की, मुख्यमंत्री को खत लिखा, मुख्यमंत्री खुद औरंगाबाद गए, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री कोई नहीं थे, और कहां गए तो विदेश गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ऐशो आराम से चल रहा है, जनता के पैसे की लूट करो और आराम से अपने जीवन जियो, इस तरह का जो मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में चल रहा है इसको हम जनता के सामने पूरा स्पष्ट करेंगे, ये भूमिका हमारे पास।